दोस्तों यह है लाइफटेक की तरफ से आने वाला ब्लूटूथ वायरलेस स्पीकर जिसे आप अमेजोन से परचेज कर सकते हो और यही तो आप इसे खरीदना चाहते हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स बने रहिए आप इस वीडियो में क्योंकि इस वीडियो में हम अनबॉक्स करेंगे लाइफटेक के इस ब्लूटूथ स्पीकर को और साथ ही साथ हम बात करेंगे इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस, बैटरी और साउंड क्वालिटी की। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं पहले इसकी अनबॉक्सिंग के साथ में। तो हमारा ये स्पीकर आता है कुछ इस तरह की पैकेजिंग में और यहाँ सामने की तरफ इसके मॉडल नेम को मेंशन किया गया है और बॉक्स में इस तरफ चले तो यहाँ पर इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस, बटन की फंक्शनैलिटी और एमआरपी के बारे में बताया गया है। तो एमआरपी तो है इसकी 2899 पर आप इन स्पीकर्स को अमेजोन से सिर्फ 1400 की प्राइस में परचेज कर सकते हो और ये तो आप इन ब्लूटूथ स्पीकर को खरीदने में इंटरेस्टेड हो तो लिंक्स इसके आपको नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगे। तो चलिए अब जल्दी से इसे अनबॉक्स करते हैं और चलते हैं इसके इनबॉक्स कंटेंट्स की तरफ। तो बॉक्स में सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारी ये ब्लूटूथ स्पीकर जो कि आता है कुछ इस तरह के वुडन डिजाइन में। अभी के लिए हम रखते हैं इसे साइड में और चलते हैं इसके बाकी कंटेंट्स की तरफ। उसके बाद हमें देखने को मिल जाती है इसे चार्ज करने के लिए एक माइक्रो यूएसबी केबल और बॉक्स में आखिरी में हमें देखने को मिलती है एक स्टैंडर्ड साइज AUX केबल। तो फ्रेंड्स हमें यही सब कुछ कंटेंट्स इसके बॉक्स में देखने को मिलते हैं। अब हम जल्दी से चलते हैं अपने स्पीकर की तरफ और सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे इसकी फिजिकल ओवरव्यू और क्वालिटी की। तो हमारा ये ब्लूटूथ स्पीकर आता है कुछ इस तरह के वुडन बॉक्स मटेरियल में और वुडन मटेरियल होने के कारण ये स्पीकर थोड़ा सा हैवी ज़रूर है लेकिन इस प्राइस रेंज में आने वाले बाकी ब्लूटूथ स्पीकर्स के कंपैरिजन में इसकी क्वालिटी काफ़ी बढ़िया है। सामने की तरफ आपको चार स्पीकर्स मिलते हैं जिनके बारे में हम वीडियो में आगे चलकर डिटेल में बात करेंगे। बीच में आपको लाइफटेक की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी और यहाँ नीचे की तरफ दी गई है ये चार छोटी सी ग्रिप्स जिससे हाई वॉल्यूम पर ये स्पीकर स्लिप ना हो। स्पीकर में ऊपर की तरफ आपको इसके कनेक्टिविटी पोर्ट्स और मल्टीफंक्शन बटन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको इनबिल्ट माइक्रोफोन भी मिलता है तो ऐसे में ये तो आपने अपने फ़ोन को इससे ब्लूटूथ से कनेक्ट किया हुआ है तो आप डायरेक्टली फ़ोन कॉल्स भी अपने यहाँ से ले सकते हो। उसके अलावा आपको देखने को मिलता है एक AUX पोर्ट, एक मेमोरी कार्ड स्लॉट, एक USB पोर्ट और साथ ही साथ यहाँ पर है इसे चार्ज करने के लिए एक माइक्रो USB पोर्ट। और वैसे ये ब्लूटूथ स्पीकर अमेजोन पर दो कलर्स में अवेलेबल है और मेरे पास है इसका ये नट ब्राउन कलर, उसके अलावा ये सॉफ्ट मैपल कलर में भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं इस पर मिलने वाली बैटरी और वायरलेस रेंज की। तो ये स्पीकर आता है 4000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ में जो कि 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाती है और बैटरी इसकी एक बार फुल चार्ज होने पर आप इसे कंटिन्यूसली 5 से 6 घंटे तक म्यूजिक को एंजॉय कर सकते हो जो कि एक काफ़ी बढ़िया बैटरी बैकअप है। और वहीं इसकी वायरलेस रेंज की तो हम बात करें तो इस पर आपको 10 मीटर की वायरलेस रेंज मिलती है। अब बात करते हैं इसके कनेक्टिविटी ऑप्शंस की। तो ये स्पीकर ब्लूटूथ 4.2 वर्जन को सपोर्ट करता है और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के अलावा आप इसमें अपनी पेन ड्राइव और माइक्रो SD कार्ड को भी कनेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा FM का ऑप्शन भी इसमें आपको मिलता है और साथ ही साथ AUX पोर्ट भी अवेलेबल है। तो कनेक्टिविटी ऑप्शन तो हमें यहाँ पर काफ़ी सारे देखने को मिलते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं इसकी साउंड क्वालिटी और इस पर मिलने वाले स्पीकर्स की। तो इस पर आपको टोटल 4 स्पीकर्स देखने को मिलते हैं जो कि 5 watts ईच है। स्पीकर्स के ऊपर हमें प्रोटेक्शन ग्रिल देखने को नहीं मिलती और साथ ही में यहाँ पर ट्वीटर्स भी मिसिंग है। तो चलिए अब हम जल्दी से टेस्ट कर लेते हैं इसकी साउंड क्वालिटी को और मैं जल्दी से आपको यहाँ से एक म्यूजिक को प्ले करके दिखाता हूँ ताकि आपको इसकी साउंड क्वालिटी का अंदाज़ा लग सके। और म्यूजिक प्लेबैक के लिए मैं अपने फ़ोन को इसके ब्लूटूथ के साथ में कनेक्ट करूँगा। तो इसे अपने फ़ोन के ब्लूटूथ से कनेक्ट करने के लिए आपको जाना है अपने फ़ोन की ब्लूटूथ सेटिंग्स में और यहाँ पर आपको इसका नाम दिखाई दे रहा होगा, आपको सिंपली इसके नाम पर टैप करना है और हमारा फ़ोन स्पीकर के साथ में इंस्टेंटली पेयर हो जाएगा। तो चलिए अब मैं YouTube से आपको एक म्यूज़िक को प्ले करके दिखाता हूँ। Thank you.
म्यूजिक को सुनकर अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि इसमें से हमें किस तरह की साउंड आउटपुट मिलती है। और मेरे हिसाब से इसकी साउंड काफ़ी बढ़िया है और वॉल्यूम फुल करने पर भी इसमें हमें किसी भी तरह की डिस्टॉर्शन नहीं मिलती। और उसके अलावा वुडन बॉक्स होने के कारण स्पीकर में से हमें काफ़ी बढ़िया बेस भी सुनने को मिलती है, जो कि हमें नॉर्मली इस रेंज में आने वाले बाकी ब्लूटूथ स्पीकर्स में सुनने को नहीं मिलती। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको इस लाइवटेक के स्पीकर की तरफ जाना चाहिए या नहीं। तो मेरे हिसाब से प्राइस के हिसाब से साउंड क्वालिटी इस पर आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है, और सिर्फ 1400 रुपये की प्राइस में इतना बढ़िया साउंड क्वालिटी वाला स्पीकर मिलना सही में एक वैल्यू फॉर मनी डील है। हाँ, इन स्पीकर पर थोड़ी बहुत कमियां तो है, जैसे कि इस पर हमें ग्रिल प्रोटेक्शन नहीं मिलती, जो कि लाइवटेक को यहाँ पर ज़रूर से देनी चाहिए थी। लेकिन ओवरऑल प्राइस के हिसाब से क्वालिटी इस पर आपको काफ़ी बढ़िया मिलती है और आप डेफिनेटली इन स्पीकर्स की तरफ जा सकते हो। तो फ्रेंड्स, यही कुछ था आज की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अब हम मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।